हेलो गाइस, जेक स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कल हम जर्नल एंट्रीज करने वाले थे, लेकिन माफ कीजिएगा, वो वीडियो जो है वो खुद ही बंद हुई थी। तो हमने आधा ही किया, वहाँ पे जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज देखा, उसकी टाइप्स देखी। तो आज हम जर्नल एंट्री जो है इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, ठीक है? ऐसा आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन ये जो है ये हमारी मदद बहुत करेगा, क्योंकि इसी के बेस पे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है? क्योंकि जब हमें पता होगा डेबिट कहाँ आएगा, क्रेडिट का मतलब क्या है, फर्नीचर का मतलब क्या है, तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आगे हमारी मदद करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुँचे। तो बात करते हैं हम, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इसमें दो वर्ड आते हैं। सबसे पहले एक आता है डेबिट और एक आता है क्रेडिट, ठीक है? एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है? इन दोनों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा क्रेडिट हैंड है और ये हमारा डेबिट। हर वक्त इस साइड डेबिट आएगा और इस साइड क्रेडिट आएगा, ठीक है? ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये आपको याद रखने वाली बात है, सिर्फ यही मेन पॉइंट पहले आप याद रखो, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये जो डेबिट है कहीं जगहों पे प्लस होता है तो कहीं जगह पे माइनस, ठीक है? इसी तरह क्रेडिट भी कहीं माइनस है और कहीं प्लस, ये आगे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। जो ही हम आगे एक दो वीडियो और लाएंगे, आपको ये पूरा समझ आएगा। तो जर्नल एंट्रीज में हमारे लिए डेबिट क्या है, प्लस, और क्रेडिट है माइनस। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, डेबिट है जो भी हमारे पास आया, कैश आया, मशीनरी आई, परचेज आई, वो डेबिट में आएगा, और जो भी हमसे जाएगा, कैश जाएगा, फर्नीचर जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है? इसमें अगर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो दूसरी और एग्जाम, दूसरा और रूल है इसका, रियल अकाउंट का रूल है, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल है, ये हमें बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आया, ये देखो मार्कर आया मेरे पास, दूसरा मार्कर आया, इसको डेबिट करो, ठीक है? डेबिट करो इसको, जो भी हमसे गया, अब ये दो मार्कर है गए हमसे, ये इसको क्रेडिट करो, जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो, बस इतनी बात। चाहे वो कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है, एसेट है, जो भी है, इसको जो आएगा उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो, ठीक है? तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे परचेज है, ठीक है? परचेज मशीनरी फॉर कैश 6000, हम माफ कीजिएगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000, हमने 6000 का फर्नीचर खरीदा, कैसे खरीदा, उधार नहीं खरीदा, हमने यहां से कैश दिया, ठीक है? ये भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, और कैश जो है ये भी एसेट है, ठीक है? ये दोनों एसेट है, हमने खरीदा, ठीक है? परचेज किया हमने, क्या फर्नीचर कैसे लिया, उधार, हम कभी कभी उधार भी लेते हैं, लेकिन हमने कैश दिया 6000 रुपया और हमने फर्नीचर लिया। तो यहाँ हम जो हमारा ये कॉलम है इसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले डेट आता है, किस डेट की ट्रांजैक्शन हुई, कब हुई, यहाँ पे डेट आएगा, उसके बाद पार्टिकुलर है, ठीक है? इसमें लिखना है क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। इसके बाद है LF, LF की फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, ठीक है? ये जो लेजर होती है उसका पेज नंबर होता है, जो हमें इधर लिखना होता है। इसके बारे डेबिट, डेबिट का मैंने आपको बताया, जो भी हमारे पास आया, व्हाट कम्स इन, जो भी आया डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमसे गया क्रेडिट कर दो। मैंने यहाँ पे तभी प्लस और माइनस का निशान पहले ही लिखा है। तो जो भी हमारे पास आया उसको हमें प्लस करना है, और जो भी हमसे जाएगा उसको माइनस करना है, बस इतनी सी बात है। अब हम ये जो यहाँ पे लाइन है परचेज, ये एक हमारी ट्रांजैक्शन है, ठीक है? परचेज, इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000, हमने 6000 रुपए दिए और फर्नीचर
लिया। अब इसकी यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम वहां पे तो डेट वगैरह कुछ नहीं लिखी, हम लिखेंगे डेट, ठीक है। डेट रखेंगे हम, आज का ही डेट रखेंगे, 6 अप्रैल 2021, ठीक है। हमने डेट लिखा, इसके बाद है पार्टिकुलर। यहाँ पे आप ध्यान देना है पार्टिकुलर्स में कि ऊपर कौन सा वर्ड आएगा और नीचे कौन सा वर्ड आएगा। मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पास आया उसे हम डेबिट कहते हैं, इसलिए डेबिट जो वर्ड है वो ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो ऊपर कैसे आएगा, मिसाल नहीं, मैं पूरी आपको ये समझाऊंगा। पतियन मशीन नहीं, मशीन मेरी फार के है। ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमने क्या लिया, हमने फर्नीचर लिया और हमसे गया क्या, कैश गया। ये देखो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर, फर्नीचर आया माइनस क्या हुआ, कैश, ठीक है। कैश कितना हुआ, 6,000। हमारे पास फर्नीचर आया, कैश गया, बस इसको देखना, जो आएगा उसको ऊपर लिखना है। लिखना कैसे है ये देखो, फर्नीचर शायद में लिखेंगे अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ, कहाँ कैसे डेबिट हुआ, कहाँ हुआ, टू कैश, ठीक है, टू कैश, बस इतना लिखना है हमें यहाँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमारा जो अकाउंट है फर्नीचर का वो बढ़ा, ठीक है। कैसे बढ़ा, इधर से क्या गया, नीचे आएगा, कैश दिया हमने, ठीक है, टू कैश, बस। यहाँ पे LF है जिसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर फोलियो, ठीक है। LF की फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। बड़े एग्जामों में पहले भी आ चुका है ये। तो मिसाल मिसाल रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 303 लेजर फोलियो का पेज नंबर, ठीक है। अब है, पहले हमने डेबिट किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना हम हमारे पास फर्नीचर कितने का आया, 6,000 का, ठीक है। ये थोड़ा नीचे लिखेंगे, टू कैश, तो हमसे कैश कितना गया, 6,000 ही गया, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है। फिट हुई, आपको समझ आई, अगर नहीं आपको समझ आई टेंशन मत लो आप, आगे खुद आपको समझ आएगा, और एग्जाम में करने की जरूरत भी नहीं है हमें इतना लिखने की, इतना करने की। लेकिन अगर समझ नहीं आई आप टेंशन मत लो, आगे 2-3 दिन के बाद आपको ये पूरा समझ आएगा। सेकंड एग्जाम्पल है, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000, ठीक है। हमने फर्नीचर बेचा कितने का, 5,000 का, उधार बेचा नहीं, कैश लिया हमने, कैश, ठीक है। सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000, 5,000 का हमने फर्नीचर बेचा, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, ठीक है, कैश आया, कितना कैश आया, 5,000, ठीक है। और हमसे गया क्या, फर्नीचर, देखिए अब हमें यह ट्रांजेक्शन यहां पे करनी है, ठीक इसी तरह डेट रखेंगे हम अपने हिसाब से, 7 अप्रैल रखेंगे, 7 अप्रैल 2021, ठीक है। तो ऊपर कौन सी ट्रांजेक्शन लिखनी है, जो हमारे पास आया, हमारे पास मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कभी लिखा है, प्लस का मतलब है आना, माइनस का मतलब है जाना। हमारे पास क्या आया, कैश, कितना आया, 5,000, इसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे डेबिट हुआ, हमारे पास पैसा कैसे आया, कुछ ना कुछ गया होगा, तो नीचे जो है वो आएगा टू फर्नीचर, ठीक है। कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ, कैसे हुआ, फर्नीचर से। तो लेजर फोलियो लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे 304, ठीक है। तो हमारे पास कैश आया, कितना आया, 5,000, तो 5,000 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और हमसे क्या गया, फर्नीचर गया, कितना गया, 5,000 का, वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब इतना है, 7 अप्रैल को हमने कैश आया कितना, 5,000, और हमने क्या बेचा, फर्नीचर बेचा कितने का, 5,000 का, ठीक है। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है, परचेज मशीनरी फॉर कैश।
हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, परचेज मशीनरी फॉर के 3,000, मशीनरी हमने खरीदी 3,000, हमारे पास क्या आया मशीनरी कितनी की 3,000 की, यहाँ से क्या गया कैश कितना गया सेम गया 3,000, ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी और हमने उसको कैश दिया कितना 3,000, तो ट्रांजैक्शन ऐसे होगी, डेट रहेगी हम 8 अप्रैल 2021, ऊपर क्या आएगा जो हमारे पास आया, क्या आया मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक इस तरह लिखेंगे, जो डेबिट हुआ वो ऊपर आएगा, मतलब जो हमारे पास आएगा वो लाइन ऊपर आएगी और जो हमसे जाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है, लेजर फोलियो का मतलब है जो मैंने आपको बोला, जो पेज नंबर लेजर का होगा जैसे हमने ऊपर लिखा उसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 305 लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या डेबिट हुआ, मशीन आई हमारे पास कितनी की 3,000 की, जब हमारे पास कुछ चीज आएगा तो मुफ्त में कोई नहीं देगा, या तो उधार देगा, तो हमने उसको तो पैसे दिए हैं 3,000, तो वो जो हमने दिया जो हमसे गया वो नीचे आएगा 3,000 रुपया, ठीक है, इसका मतलब 8 अप्रैल 2021 को हमने मशीन खरीदी 3,000 की और हमने कैश दिया 3,000, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया कोई भी आपको पॉइंट समझ नहीं आया, आप वीडियो पे कमेंट करें, हमें बोले, हम आपको और कल समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये 3 ट्रांजेक्शन थी हमने की, याद रखने वाली बात यहाँ पे इतनी ही है कि अब इसके एमसीक्यूज अगर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है सबसे ज्यादा वो यही है, एक है रेल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ऊपर आएगा डेबिट और नीचे आएगा क्रेडिट, मतलब जो हमारे पास आएगा वो ऊपर आएगा और जो हमसे जाएगा वो नीचे आएगा, ठीक है, इन दो डेबिट और क्रेडिट में सेम रकम आएगी, अच्छा इसके बाद हम बात करें एसिड जो है ये माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखो अच्छी तरह देखो, अगर आपको समझ नहीं आई होगी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आप हमारी इस वीडियो पे कमेंट करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंचे, हर एक कैंडिडेट तक ये पहुंचे, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, धन्यवाद।